वाटर कूलर की वायरिंग नहीं, रूम कूलर की वायरिंग। और रूम कूलर वाटर कूलर का सेम ही होता है, पानी से जो ठंडा करता है और एक पानी को ठंडा करने वाला होता है ना, दोनों में अंतर होता है। बस ये है रूम कूलर। और रूम कूलर की वायरिंग मैंने 3-4 प्रकार की बता रखी है, और ये लास्ट बता रहे हैं पीसीबी वाले, जिनके अंदर पीसीबी लगा होता है। कुछ नए जनरेशन के रूम कूलर आते हैं जिनके अंदर पीसीबी मिलती है, बाकी सारे के अंदर तो आपका स्विच मिलता है। एक तो रोटरी स्विच होता है, एक अनअप स्विच होता है, 2-way 3-way स्विच लगे होते हैं, बट यहाँ पर जो है ये पीसीबी के साथ में वर्क करेगा। यानी कि यहाँ पर जो होती है ये बटन्स होती है, स्विच नहीं होता है इनको। आप जैसे मोबाइल के अंदर बटन होती है ना, वैसे इनके अंदर बटन्स होती है। अब ये जो हमारा इसका फेस और न्यूट्रल होता है डायरेक्टली कहाँ जाएगा, पीसीबी के अंदर। इसमें क्या क्या लगा वो देख लीजिए, पीसीबी है, वाटर पंप मोटर है, स्विंग मोटर है, यहाँ पर फैन मोटर है, इधर आपका कैपेसिटर है 4 MFD का। अब देखिए, तो सबसे पहले फेस और न्यूट्रल डालेंगे पीसीबी के अंदर। ऑलरेडी यहाँ पर लिखा होता है फेस और न्यूट्रल। जैसे ही फेस और न्यूट्रल इनपुट करते हैं, यहाँ पे आपका लिखा होगा HML। H का मतलब हाई, M का मतलब मीडियम, L का मतलब लो। तो यहाँ से आपको हाई लो मीडियम को सप्लाई दे देना है। इस तरीके से जो हाई का होगा उसको हाई का, जो मीडियम का होगा उस पर मीडियम का, जो लो का होगा उस पर लो का आपको कनेक्शन डाल देना है, ठीक है। तो ये वाला कनेक्शन पहले का मैंने कर रखा था, इसको हम पूरा निकाल लेते हैं और फिर से हाई लो मीडियम को वायर लगा देते हैं। क्रम बाय क्रम वायर लेकर आएंगे और क्या कर देंगे, इन सबको लगा देंगे। ओके सर, देख लीजिए, तो हाई मीडियम और लो का वायर क्या कर दे, इसके हाई मीडियम लो में लगा देंगे पीसीबी के थ्रू। और यहाँ बटन होती है, जो भी आपको वर्क करना बटन से आप कर सकते हैं, हाई लो मीडियम करना, स्विंग को ऑन करना या वाटर पंप मोटर को ऑन करना, ये सारा कुछ बटन से आपका होगा। ये जो है आपका ये न्यूट्रल जंक्शन है, ठीक ना। यानी कि यहाँ से आपको जहाँ भी न्यूट्रल लेकर जाना होगा, आप यहीं से क्या करेंगे, सबके पास लेकर जाएंगे, ठीक। और एक साइड में इधर आपका फेस जंक्शन भी बना होता है, वहां से जहां भी फेस लेकर जाना होगा वो भी आप लेकर जाएंगे। तो जहां फेस जंक्शन होगा वहां पे ऑलरेडी लिखा होगा फेस के लिए, जहां न्यूट्रल होगा वहां न्यूट्रल के लिए लिखा होगा। तो देखिए, हमको न्यूट्रल कहां चाहिए, एक तो यहां पर चाहिए और बाकी सबको न्यूट्रल इधर चाहिए। तो ये सारा कुछ अब यहां पे नहीं होगा, ये जो है ऑलरेडी इन सबको निकाल दिया जाता है। तो अब हम यहाँ पे लगा लेते हैं। देखिए, न्यूट्रल जंक्शन से क्या करेंगे, एक न्यूट्रल हम यहाँ पे दे देंगे, तो उसको हम यहाँ से ये देखिए न्यूट्रल आ जाएगा 21 में रन वाले वायर में यहाँ पर। और जब यहाँ पर देंगे तो यहीं से क्या कर देंगे, रन को देंगे और सप्लाई वायर किसको मिलेगी, स्टार्ट को। ये सूत्र आपका सब में कॉमन ही होगा, जैसे सब में वायरिंग करते हैं वैसे ही वाला सेम होगा, डायरेक्ट न्यूट्रल रन को सप्लाई वायर के स्टार्ट को। अब देखिए, अब न्यूट्रल इन दोनों को दिया जाएगा, एक न्यूट्रल इसको, एक न्यूट्रल इसको। तो इसके पहले फेस को निकाल लेंगे, देखिए ध्यान से, एक फेस इसको दे देंगे और एक फेस इसको देंगे, और न्यूट्रल क्या कर देंगे इसके बाद। अब ये सारे के सारे स्विच से अपडेट किए जाएंगे, पीसीबी वाला होगा तो कुछ इस तरीके से कनेक्शन होगा, बट एक्चुअली ये न्यूट्रल मैं ला करके यहाँ डाला और ये सारे के सारे क्या लगे हुए हैं, पीसीबी से ही सभी सप्लाई जाएंगे। इसमें न्यूट्रल फेस डायरेक्टली पीसीबी में एक होता है, बस इतना सा आपका वायरिंग है, देख लीजिए।